केन्द्र शासित दादरा नगर हवेली दमण दीव संघ प्रदेश समग्र देश में सौथी वधु रिकवरी रेट साथ कोरोना मुक्त बन्यो छे। अने मंगलवार एक पण केस नहीं नोंधाता तंत्रे हाशकारो अनुभव्यो छे। संघ प्रदेश में आरोग्य विभाग द्वारा फ्रंटलाइनर वोरियर्स ने रसीकरण आपवामां अग्रेसर छे। अने आ वोरियर्स ने रसीकरण आव्या बाद आगामी दिवसों में नागरिकों नु पण कोविशील्ड नी रसी आपवामां आवशे। यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज दादरा नगर हवेली पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया है और हमारे यहाँ पे आज के दिन 9 फरवरी 2021 को एक भी एक्टिव केसेस नहीं है। और इसमें जो है पूरा योगदान हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है उनका रहा है, हमारी जो डॉक्टर की टीम है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो भी हमारे नियम बनाए थे, जो सरकार की तरफ से जो नियम इशू हुए थे, उसका भी लोगों ने काफ़ी सख्ती से पालन किया है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो रिकवरी रेट है वो 99.94% रहा है हमारे प्रदेश का। और आज भी जब कोरोना वायरस को से निपटने के लिए जो वैक्सीन की जात की गई और 16 जनवरी से जो वैक्सीन आई है, जिसका कि यहाँ पर अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण किया जा रहा है, उसमें भी जो है हमारा प्रदेश काफ़ी आगे है और लोग जो है आगे बढ़कर आके इसमें इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव क्षेत्र में आज एक अहम दिन है और कोविड के आने के बाद कल जो केसेस है 0 एक्टिव केस हुए हैं। अपने हमारे प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन में और उनके हर समय उनके जो नेतृत्व में जो भी पॉलिसीज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, उसके कारण यह कोविड का जो नंबर ऑफ केसेस थे वो हमेशा कम रहे। और आज एक माइलस्टोन है कि हम 0 केस आज हम हासिल कर पाए। और बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज जैसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन विथ सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को परमिट करते हुए भी और अच्छे से डिसइंफेक्शन और जो ट्रैकिंग ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस मॉनिटरिंग और ये सब चीज़ें बहुत जो भारत सरकार के निर्देश में जो भी गाइडलाइंस आए उसका पालन करते हुए और हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो निर्देश है उसको पालन करते हुए